हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक उपाध्याय। दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि जैसे ही इनकम टैक्स की बात आती है, लोगों के दिमाग में जो है कई तरीके के क्वेश्चन जो है उठने लगते हैं। कई लोग जो है इनकम टैक्स की बात सुन के तनाव में आ जाते हैं। कई लोगों के, इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो, उनके पसीने छूट जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इनकम टैक्स का नाम सुनते ही जो है लोग उसको एक कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, डरने लगते हैं कि उनको जो है इनकम टैक्स रिलेटेड किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं जानते कि छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग करके वो अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। कई तरीके के ऐसे इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन और प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनका सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने इनकम टैक्स को प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इनकम टैक्स बेसिकली कौन फाइल करता है, कौन भरता है। भरता वही है जो उसकी कहीं ना कहीं इनकम होती है। तो जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपने जो है कंट्री के कई तरीके के रिसोर्सेज का जो है यूटिलाइजेशन करके उस इनकम की प्राप्ति की है, और जब आपको इनकम हुई है तो फिर उसको इनकम टैक्स भरने में किस तरीके की परेशानी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अभी 31 दिसंबर को आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न जिन्होंने नहीं फाइल किए हैं उसकी लास्ट डेट है, तो आपको फाइल करना है। किस तरीके की जो बेसिकली आप टैक्स प्लानिंग करके जो है अपने कई तरीके के टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स का ये बहुत बेसिक छोटे छोटे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, मैं कोई इनकम टैक्स का कंसल्टेंट या सीए नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जानकारी मुझे है उसको सही तरीके से साधारण शब्दों में अपने व्यूअर्स को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको इसके वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहली बात, कई लोगों को इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, इनकम टैक्स में जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है। तो दोस्तों, इसको करेंट का जो आपका अभी जो ईयर चल रहा है, ये जिस फाइनेंशियल ईयर में हम बैठे हुए हैं, ये 2021-2022 है, 21-22 में हम बैठे हुए हैं, और इसमें जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं। मतलब प्रीवियस ईयर जो है वो 2021 जो है वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। तो जिस साल में आप असेसमेंट करते हैं वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में वो असेसमेंट ईयर कहलाता है, और जिस पिछले साल के लिए आप जो है इनकम टैक्स का असेसमेंट करते हैं उसको हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो ये एक समझने की बात है कि इस तरीके से अगर आप इन दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे तो ये एक जो बेसिक कन्फ्यूजन कई लोगों को होता है वो आपका दूर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि इनकम टैक्स बेसिकली कौन कौन फाइल करता है। तो दोस्तों, जो भी रेसिडेंट ऑफ इंडियन है या जो आपके HUF हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, फर्म हैं, कई तरीके की प्रोप्राइटरशिप होती हैं जो कि इनकम टैक्स फाइल करती हैं। अब जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो इसको कई लोग जो है ई प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, या इसको टैक्स फाइलिंग करना भी कहलाता है। इसमें ITR जो होता है उसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी शब्दलाजी है, जो टेक्निकल छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनका यूज़ इनकम टैक्स में होता है। अब चलिए डायरेक्ट हम आते हैं उन सेक्शंस को लेके जिसको हर आम आदमी को पता होना चाहिए, और आपको कोशिश करना चाहिए कि ये जो सेक्शन है इनका सही तरीके से प्लानिंग के साथ में आप बेनिफिट लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम 80C के अंतर्गत। 80C दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो है आइटम्स आते हैं, जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप उसका अगर किसी तरीके से उसका आपने, जैसे मान लीजिए होम लोन ले रखा है, उसमें आप जो प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि 80C में कौन कौन से आइटम्स आते हैं मेनली। तो इसमें जो है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है। जो लोग जो है EPF कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं या कंपनी उनके बिहाफ पे जो EPF कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो उसका बेनिफिट भी आप 80C में ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए की इसके अंतर्गत लिमिट है 80C के अंतर्गत। तो जो EPF में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF होता है, उसमें भी जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका भी क्लेम आप जो इस सेक्शन में ले सकते हैं। LIC की कई तरीके की पॉलिसीज़ का प्रीमियम पे करते हैं, उसका भी बेनिफिट अप टू लिमिट ऑफ 150,000 आप इसमें 80C में ले सकते हैं।
इसके अलावा होम लोन जब आप लेते हैं तो होम लोन का जब आप रीपेमेंट करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका जो है प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है, दूसरा जो है आपका इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट होता है। तो जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है उसका भी बेनिफिट आप 80C में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपने स्टाम्प ड्यूटी पे किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आप पे करते हैं उसका बेनिफिट भी आप जो है 80C में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड्स की जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं ELSS, इस कैटेगरी के अंतर्गत भी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या SIP करते हैं उसका बेनिफिट भी आप 80C में ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन हैं, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट भी इसमें आप 80C में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट भी आप 80C में ले सकते हैं। तो ओवरऑल आप इस तरीके से देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे साधन होते हैं। NSCBC के अंतर्गत आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका बेनिफिट आप इसमें 80C में ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं किस तरीके के जो है इन्वेस्टमेंट माध्यम से जो है आप टैक्स बचाना चाहते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के आपको रिटर्न्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके की रिस्क रहती है। ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ में डिस्कशन करके डिसाइड करना है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता है कि कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बेटर रहेगा, किस तरीके के रिटर्न्स आप उसमें आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो आप जानते हैं कि जो है टैक्स सेविंग FD भी करते हैं 80C में बेनिफिट लेने के लिए, पर दोस्तों FD में किस तरीके से जो है आपको जो रिटर्न मिलते हैं और उसमें इन्फ्लेशन के बाद उस वो रिटर्न क्या बचते हैं, और अगर उसको आप इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद टैक्स भी अगर आप उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर वो एक नेगेटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड भी रहता है, तो ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ, फाइनेंशियल प्लानर के साथ में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कि आप अपना अमाउंट जो है बढ़ाना चाहते हैं आप ये, या चाहते हैं कि 5 साल के बाद जो आपका नेट अमाउंट है या जो उसकी परचेसिंग पावर है वो कम हो जाए। FDs के अलावा और क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं इसको लेके ऑलरेडी हमने एक अपना वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जिसमें हमने आपसे लिक्विड फंड्स की, कॉरपोरेट FDs की, RBI के जो गिल्ड फंड्स आते हैं इनकी चर्चा की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि FDs के अलावा भी आप कई तरीके के वेन्यूज अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सर्च करें और ढूंढें। कुछ पैसा आप FDs में डाल सकते हैं, पर चूंकि ये जो 5 साल का लॉक इन पीरियड है दोस्तों, ये बहुत लंबा लॉक इन पीरियड होता है, और 5 साल के बाद फिर इसमें मतलब रिटर्न लेना और ये सारी चीज़ें मतलब किस तरीके से आपको बेनिफिट करेंगे, ये आपको एक सोचने के लिए प्रश्न बनता है। अब हमने दोस्तों 80C की बात कर ली। 80C के अलावा इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80D है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है कि आज का जिस तरीके का आपकी लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके के समय में हम हैं, हेल्थ को हमेशा लेके जो है कंसर्न बना रहता है। अभी कोरोना को लेके आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है जिस तरीके से जो है हेल्थ को लेके लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, इंडिया में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों का जो पेनिट्रेशन है उसमें और सुधार की ज़रूरत है। अगर कंपेयर हम करेंगे US, चाइना या जो अदर डेवलप मार्केट हैं उनके कंपेरिजन में, इंडिया में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं और कंपनीज इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो जो आप हेल्थ इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम पे करते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख का या 10 लाख का अगर आपने प्लान लिया, चाहे आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें या फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, अगर आपकी फैमिली है जिसमें वाइफ हैं बच्चे हैं तो आपको फिर फैमिली फ्लोटर प्लान की तरफ जाना चाहिए। तो उसमें इंडिविजुअल के केस में आपको 25,000 तक का जो है इसमें इनकम टैक्स में 80D में आपको छूट मिलती है, और सीनियर सिटीजन के केस में दोस्तों ये 50,000 रुपीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी आप एक बेटर प्लान कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक और इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है, वो है 80E का। 80E के अंतर्गत जो आप एजुकेशनल लोन लेते हैं अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, उसके अंतर्गत उसमें जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो 8 सालों तक जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसको रीपे करने के लिए, उसका भी आप क्लेम ले सकते हैं और उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको इनकम टैक्स का जो है बेनिफिट मिलता है इस सेक्शन में, तो 80E का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि कई तरीके के जैसे नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, कई तरीके के गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर लीव फंड्स है, कई तरीके के स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं,
तो उनमें जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं चेक के माध्यम से, तो उसके अंतर्गत 80G के अंतर्गत डोनेशंस के ऊपर भी जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है डिडक्शंस क्लेम मिलते हैं। तो 80G का बेनिफिट भी अगर आप जो है नेशनल वेलफेयर के काम में, सोशल वेलफेयर के काम में हेल्प करना चाहते हैं कंट्री को और आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसमें इनकम टैक्स की तरफ से आपको 80G के अंतर्गत छूट मिलती है। इसके बाद दोस्तों एक 80U का सेक्शन आता है, किसी अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण आपको किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है या आपको बहुत सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसमें भी आप जो है 75,000 से लेके 1,25,000 के बीच का जो है आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये कई ऐसे सेक्शन हैं जिनके माध्यम से आप अपने इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक बहुत कॉमन जो चीज़ है जो आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है होम लोन लेके रखता है जब वो अपने लिए एक आशियाने के घर की प्लानिंग करता है। तो जब आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन के अंतर्गत भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको इनकम टैक्स की कई तरीके की छूट मिलती है। तो जो आप होम लोन लेते हैं उसको आपको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक उसमें प्रिंसिपल का कॉम्पोनेंट होता है और एक इंटरेस्ट का होता है। तो आप जो उसमें प्रिंसिपल रीपे करते हैं उसको 80C में छूट ले सकते हैं, और जो आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि एक हैवी कॉम्पोनेंट होता है, उसमें इनकम टैक्स का सेक्शन 24 है जिसके अंतर्गत आपको जो है 2,00,000 रुपये की तक की छूट मिलती है। तो ये भी एक ऐसा बेनिफिट है कि आप जब अपने लिए घर लेते हैं तो आपका रेंट बचता है, साथ ही साथ आप जो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और आप जो उसका प्रिंसिपल रीपे करते हैं तो उसमें भी इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है। इसीलिए दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में जो होम लोन है वो एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल होता है जिसके माध्यम से जो है आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए करेंट में जैसे होम लोन की जो रेट है वो 7% है, और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके अगर आप उसी पैसे को कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें आपको 12-13% का जो है आपको अगर बेनिफिट हो रहा है, तो 5-6% का एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हैं और 60% जो आपको रेट लग रहा है होम लोन में उसको रीपे कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आपके रेंटल के जो बेनिफिट्स हैं और इनकम टैक्स के जो बेनिफिट हैं, इसलिए होम लोन हमेशा एक फ़ायदे का सौदा रहता है। अब इसमें बात ये आती है कि जब आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आप ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज के लिए आप ये छूट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को अगर आप इफ़ेक्टिव तरीके से प्लानिंग करेंगे तो फिर कई तरीके से जो आप इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। अब दोस्तों कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जैसे आपने प्रॉपर्टी सेल की, या आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब आप इनको सेल करते हैं तो किस तरीके से इनकम टैक्स के ट्रीटमेंट होते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ एक शॉर्ट में इनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अगर आप उसको 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए अगर आप किसी स्टॉक्स को आप लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं और उसको फिर आप सेल आउट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड था, परंतु अभी चेंजेस हो गए हैं उसमें, और 1,00,000 रुपये तक का जो आपको उसमें गेन होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। 1,00,000 रुपये के ऊपर जो एक्सेस आपको गेन होता है उस पर आपको फ्लैट 10% के हिसाब से जो है उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए आपको 1,50,000 रुपये का कैपिटल गेन होता है इक्विटी सेल्स करने पे, तो 1,00,000 रुपये उसमें से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, और जो 50,000 रुपये का अमाउंट है उसको 10% से आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 रुपीज़ का जो है उसमें टैक्स बनता है। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर मान लीजिए आप कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अगर आप जो है पोजीशन को रखते हैं, या 6 महीने में आप उसको सेल कर देते हैं, तो कोई भी इक्विटी की पोजीशन अगर आप 1 साल के पहले सेल कर देते हैं तो वो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाती है और उसमें फ्लैट 15% के हिसाब से जो है टैक्स लगता है। इसी तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट में 3 साल का होल्डिंग पीरियड है। इसी तरीके से फिर आपको गोल्ड में देखना पड़ता है। इसी तरीके से फिर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, कई तरीके के प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन टैक्स के बचाने के कई तरीके के रास्ते होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया, तो आप विद इन 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर तक अगर उस पैसे को फिर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं। कई तरीके के और बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं जिनके माध्यम से आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो आपको कैपिटल एसेट, जो आपके एसेट्स होते हैं उनको जब आप सेल करते हैं तो जो आपको गेन होता है वो कैपिटल गेन में चला जाता है। इसी तरीके के जो आपको इंटरेस्ट मिलते हैं सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, उनमें भी कई तरीके की आपको छूट मिलती है जो अदर सोर्सेज में चले जाते हैं।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने किसी को अपना जो है घर किराए पे दे रखा है, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो फिर वो जो है रेंटल में आपको कई तरीके के उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। कई लोग जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स में इंट्राडे के आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें भी कई तरीके के टैक्सेस होते हैं। जैसे अगर आप लगातार ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो बिजनेस इनकम के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कई तरीके के आपके खर्चे होते हैं, जैसे कि आप उसमें इंटरनेट का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, आपको एम्प्लॉई रखते हैं और जो अदर मिसलेनियस खर्चे, तो उनको माइनस करके उसमें टैक्स की गणना की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों इनकम टैक्स को हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि ये किसी भी देश की जो सोशल और नेशनल वेलफेयर की गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम होते हैं उनके लिए इनकम टैक्स बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम सभी को उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके कोशिश करना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट ने हमें छूट दी हुई है उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और एक सिविल सिटीजन होने के नाते सरकार को टैक्स भी दें, ताकि सरकार जो अपनी ये पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनको और प्रॉपर तरीके से चला सके। लगातार हमारे देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आशा करता हूँ कि जो अभी हमारा टैक्स बेस रेट है वो काफ़ी कम है और निकट भविष्य में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, इनकम टैक्स जमा करें। और ये सारे जो प्रोविजन्स हमने इसकी चर्चा की है, आशा करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा और आप कोशिश करेंगे कि अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ इन चीज़ों को आप डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगर किसी और कंटेंट पे टॉपिक पे ऐसे कई छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपके मन में उठते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके या हमें ईमेल के माध्यम से, ईमेल का जो हमारा एड्रेस है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे चैनल पे अबाउट अस के पेज पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे किसी ने मुझे पेनी स्टॉक के लिए बोला है, कई लोग जो है अलग अलग टॉपिक्स को लेके बोलते हैं, उन पे भी हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या करेंट में कई तरीके के टॉपिक्स आते हैं उसको लेके अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में, सजेशन बॉक्स में बताने की कृपा करें। और आज का वीडियो देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।